हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पार्ट 7 की शुरुआत में शेन जब यैंग के घर से जा रहा होता है तो यैंग शेन को रोकती है। शेन डर जाता है, पूछने लगता है कि क्या हुआ है। यैंग पूछती है कि तुम डर क्यों रहे हो। शेन कहता है कि जब भी तुम मुझे मेरा पूरा नाम लेकर बुलाती हो तो मुझे पुराना टाइम याद आ जाता है जब तुम मुझे पढ़ाई ना करने पर क्रिटिसाइज किया करती थी। यैंग कहती है कि मुझे तुम्हें थैंक्स कहना है, मैं पिछले कई सालों से काफी बिजी हूँ। तुमने मेरे पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखा है, इसलिए मैं तुम्हें मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ। शेन कहता है कि हम लोग कल सुबह बैडमिंटन खेलने वाले हैं, तो क्या मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँ। तो यैंग कहती है कि नहीं, मैं खुद ही आ जाऊंगी। शेन इसको बाय बोलने के बाद यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह यैंग जब घर से निकलने वाली होती तो इसको सौ की कॉल आ जाती है, जो की इसको कहता है की क्या तुम फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यैंग कहती है की मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रही हूँ, तुम भी वहीं पर आ जाओ। अब सियांग फांग और शेन यहाँ पर आ चुके होते हैं। शेन यांग को मैसेज करके कहता है की अगर तुम लेट हो गयी तो फिर तुम हमें लंच करवाओगी। फांग कहने लगता है कि तुम अपने पार्टनर को कॉल क्यों नहीं कर लेते। शेन कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो लेट हो जाएगी, लेकिन अगर वो ना भी आई तो मैं तुम दोनों को हरा सकता हूँ। ये सुनकर ये दोनों शेन को चैलेंज कर लेते हैं। अब ये तीनों बैडमिंटन खेलना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर बाद शेन को यैंग का मैसेज आता है की इमरजेंसी की वजह से मैं आज यहाँ पर नहीं आ सकती। शेन कहता है की तुम कहाँ पर हो, मैं वहाँ पर आ जाता हूँ। शेन इन दोनों को बताता है की यैंग यहाँ पर नहीं आने वाली। शेन कहती है की फिर तुम उससे कहो की हम उससे मिलने के लिए आ जाते हैं। शेन कहता है की मैं पहले ही कह चुका हूँ। अब साओ यांग से मिलने के लिए आ जाता है। यांग इससे कहती है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। साओ कहता है कि मैं अपने एक बहुत अहम दोस्त के लिए कुछ डिजाइनर्स टॉयज और फिगर्स खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। मैंने तुम्हारे मूवमेंट्स में देखा है कि तुम्हें इन चीजों के बारे में बहुत नॉलेज है, इसलिए क्या तुम गिफ्ट खरीदने में मेरी मदद कर सकती हो। यांग कहती है कि मैं देखती हूँ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। अब शेन यांग का मैसेज पढ़ता है कि तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं साओ के साथ हूँ। ये मैसेज पढ़कर शेन अपसेट हो जाता है। फांग कहता है कि वो क्या कह रही है, तो शेन कहता है कि वो इस वक्त साओ के साथ है। ये सुनते ही सियांग और फांग तो बहुत खुश हो जाते हैं। सियांग कहने लगती है कि मुझे लगता है कि साओ के दिल में यांग की फीलिंग्स हैं, लेकिन यांग के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। ये शेन से पूछती है कि क्या साओ यांग की टाइप का है। शेन काफी गुस्से में होता है, ये सियांग के इस बात का जवाब नहीं देता। सियांग फांग को बताने लगती है की इस साल की शुरुआत में यांग फॉर्चून टेलर के पास गयी थी। उसने यांग को बताया था की यांग को इस साल बॉयफ्रेंड मिल जाएगा और यांग उस पर्सन को काफी देर से जानती है। फांग शेन से कहते हैं कि क्या तुमने सुना है कि यांग को जल्दी उसका बॉयफ्रेंड मिलने वाला है। ये सुनकर शेन बहुत गुस्सा हो जाता है। शटल फांग के सर पर आकर लगती तो सियांग कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। दूसरी तरफ यांग साओ को ये डिजाइनर टॉयज दिखा रही होती है। साओ पूछता है कि तुम इनके बहुत फैन हो, तो तुम्हारा फेवरेट ब्रांड कौन सा है। यांग कहती है कि हमारे जॉब इस तरह के कि हम किसी को अपनी पसंद के बारे में नहीं बता सकते। साओ कहते हैं कि हाँ, केयरफुल रहना बेहतर है। अब ये दोनों जब बैडमिंटन कोर्ट से बाहर आते हैं तो फांग शेन से कहता है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर लंच करें। तो शेन कहता है कि मेरा कोई मूड नहीं है। शांग फांग से कहने लगती है कि आखिर इसको हुआ क्या है, इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। फांग कहते हैं कि मुझे खुद नहीं मालूम कि ये इतना गुस्से में क्यों दिखाई दे रहा है। शांग कहती है कि काश यहाँ पर यांग होती, वही सिर्फ इसको हैंडल कर सकती है। रात में यांग शेन को मैसेज करके पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। शेन को रिप्लाई नहीं देता तो यांग इसे सॉरी करती है। शेन इसको रिप्लाई नहीं कर रहा होता तो यांग कहती है कि ये जरूर गुस्सा हो गया होगा। दूसरी तरफ शेन शांग पूछ कर यांग के मैसेज को इग्नोर कर रहा होता है। शेन अब अपने आप से कहता है कि क्या मुझे मैसेज का रिप्लाई करना चाहिए। शिंगनीना शेन को कॉल करके कहती है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाह रहे थे। शेन कहते हैं कि क्या जब तुम बीजिंग से वापस आ जाओगी तो हम मिल सकते हैं। शिंगनीना मिलने के लिए मान जाती है। जब कॉल बंद होती तो मैनेजर कहती है कि तुम्हें हाँ नहीं कहनी चाहिए थी, वो तुम्हें अपनी मूवी के शूट के दरमियान ही लाइव स्ट्रीम करने के लिए फोर्स करेगा। शिंगनीना की मैनेजर कहती है कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, बात करने से ये मामला खराब हो सकता है, इसलिए कल तुम नहीं जाओगी। लेकिन शिंगनीना कहती है कि मुझे नहीं लगता कि शेन इस तरह का इंसान है। आज यांग शेन से मिलने के लिए इसकी कंपनी आती है। शेन यांग को देखकर कहता है कि तुमने मेरे लिए वक्त कैसे निकाल लिया। यांग कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। शेन कहते हैं लेकिन मैंने तो नहीं कहा कि तुमने कोई गलती की है। यांग कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे अपने टीममेट को नहीं छोड़ना चाहिए था। ये शेन से वादा करती है कि मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये सुनकर शेन मान जाता है, लेकिन इसके साथ ही इसको लिन की कॉल आ जाती है। कॉल सुनने के बाद यांग कहती है कि अब प्लीज तुम नाराज मत होना, मुझे एक जरूरी काम की वजह से वापस जाना है। ये कहकर यांग फौरन यहाँ से भाग जाती है। यांग जब लिन के साथ अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जा रही होती तो उसको सौ की कॉल आती है, जो कि इसको कहता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। साओ यांग को भी इस पार्टी में इनवाइट करता है। तो यांग कहते हैं कि आज मुझे ऑफिस से बाहर काम है, तो साओ कहता है कि तुम आराम से अपना काम खत्म करके पार्टी में आ जाना। यांग कहती है कि ठीक है। यांग अब उस रेस्टोरेंट ओनर से मिलने के लिए आ जाती है जिसने लोन के लिए अप्लाई किया होता है। शिंगनीना मीटिंग से पहले अपना लंच कर रही होती है। ये शेन से कहती है कि तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए, बहुत मजे का है। शेन जब ये ट्राई करता है तो उससे पूछता है कि ये शॉप कहाँ पर है। तो
बेशक नीना कहती है कि ये शॉप तुम्हारी कंपनी के काफी करीब है और ये उसी रेस्टोरेंट का खाना होता है जिसके ऑनर से आज शेंग मिलने के लिए गई होती है। अब मीटिंग से वापस आते हुए शेंग नीना शेंग के पास आती तो शेंग कहता है कि तुम्हें क्या कहना है। शेंग नीना कहती है कि लास्ट टाइम मेरी वजह से तुम्हारी ग्लासेस टूट गई, इसके लिए तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे लिए एक नया सेट खरीदा है। शेंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो ग्लासेस मेरे नहीं थे, वो टेस्ट एडिशन था, तुम उसको दोबारा खरीद नहीं सकती। ये सुनने के बाद शेंग नीना यहाँ से चली जाती है। अब शेंग जब इसी शॉप से खाना लेकर वापस आ रहा होता है तो उसको यंग देख लेती है। अब ये दोनों अपने स्कूल के बाहर खड़े होकर ये खा रहे होते हैं। यंग कहती है कि सब मैंने तुम्हें आज दोपहर में वहाँ देखा तो मैं हैरान हो गई थी। शेंग कहते है कि इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, मैं भी वहाँ पर काम के लिए गया था। अब यंग को सौ की कॉल आती है। यंग इसे सॉरी करती है कि मैं मशरूफी से लिए नहीं आ सकी। शेंग कहता है कि अगर तुम मशरूफ हो तो हम फिर कभी बात कर लेंगे। यंग कहती है कि तुम क्या कर रहे, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम हो, आज तुम्हारा मूड खराब है तो दोस्तों ने कैसे तो तुम्हारे साथ रुकना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए तुम मुझे बताओ कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। शेंग कहता है कि शेंग नीना मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाह रही है, मैंने शेंग नीना के लिए प्लान चेंज भी किया लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो इस बारे में सोचेंगे। शेंग कहता है कि अगर शेंग नीना ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया तो हो सकता है कि हमारे इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें और अगर ऐसा हुआ तो फांग मुझे बहुत बातें सुनाने वाला है। शेंग कहती है कि तुम फांग से कह देना कि जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम लोगों की इन्वेस्टर बन जाऊंगी। शेंग कहता है कि सीरीज बी की फंडिंग कम्प्लीट हो चुकी है, तुम जानती हो वैसे ही मजाक कर रही हो। यंग कहते कि मुझे मालूम है, मैंने ही तो फांग की मदद की थी। ये शेन से कहते कि मैं अब तक तुम लोगों के फाइनेंस का काम संभालती हूँ तो मुझे मेरा शेयर कब मिलेगा। शेन कहता है कि जो मेरा है वो तुम्हारा है। ये बात यांग को थोड़ी सी अजीब लगती है लेकिन मजाक में कहने लगती है कि तुम कंजूस हो इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं है। अब शेन यांग को स्कूल के अंदर जाने के लिए कह रहा होता है। यांग कहती है कि अगर हम स्कूल के बैडमिंटन कोर्ट में जाने में कामयाब हो गए तो तुम जब तक कहोगे मैं तब तक तुम्हारे साथ बैडमिंटन खेलूंगी। अब ये दोनों दीवार फैलांग कर अपने स्कूल में आ जाते हैं। अब ये दोनों अपने स्कूल के जिम में आते हैं लेकिन ये लॉक होता है। ये दोनों जैसे ही लॉक खोलने की कोशिश करने लगते हैं तो इतने में यहाँ पर गार्ड आ जाता है जो कि पूछने लगता है कि यहाँ पर कौन है। ये सुनते ही ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये दोनों जल्दी से स्टोर रूम में आकर छुप जाते हैं। गार्ड टॉर्च की मदद से इन दोनों को यहाँ पर देखने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड को ये दोनों दिखाई नहीं देते। यंग पूछते कि क्या गार्ड अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। शेन देखने की कोशिश कर रहा होता है इतने में ही गार्ड फिर से यहाँ पर टॉर्च की मदद से देखने की कोशिश कर रहा होता है तो यंग कहती है कि तुम मत देखो। शेन यंग से कहने लगता है कि शायद हमें इस टाइम यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। यंग शेन से कहने लगते है कि हम दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं लेकिन हम दोनों मुख्तलिफ हैं। अपनी जॉब के लिए मुझे इस तरह के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जो शायद मैं करना नहीं चाहती। मुझे हर किसी से फेस पर स्माइल रखकर मिलना पड़ता है और अगर मैं उनसे नफरत भी करती हूँ तब भी मैं कुछ नहीं कर सकती जबकि तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन से भरी हुई लाइफ में सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आजादी महसूस कर सकती हूँ। इसी मोमेंट पर पार्ट 7 खत्म हो जाता है।